खाना ले जा रहे 31 गायों से भरे ट्रक को पकड़कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोबरा नवापारा पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बजरंग दल रायपुर के कार्यकर्ताओं को बीती रात 1 बजे सूचना मिली कि खरोरा बलौदा बाजार की ओर से एक ट्रक क्रमांक CG04JA4047 बहुत सारी गायों को लेकर मुंबई कत्लखाना जा रहा है। इस सूचना पर बजरंगी कार में सवार होकर आरंग खरोरा मार्ग पर जम गए। रात लगभग 2 बजे संबंधित ट्रक को आता देख बजरंगियों ने रुकने का इशारा किया तो ट्रक चालक ट्रक को तेज गति से भगाते हुए गोबरा नवापारा मार्ग पर आ गया। बजरंगियों ने कार से उसका पीछा करना शुरू किया तो ट्रक चालक ने उसकी कार को ठोकर मारकर ट्रक को तेज गति से बढ़ा दिया। आखिरकार ग्राम तोरला के पेट्रोल पंप के पास ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पहुंचे बजरंगियों ने गोबरा नवापारा के थाना प्रभारी राकेश ठाकुर को फोन कर इसकी सूचना दी। रात 3 बजे थाना प्रभारी मातहतों के साथ मौके पर पहुंचे और गायों से भरी ट्रक को लेकर थाना आ गए। फिलहाल सभी गायों को गोबरा नवापारा के ही गौशाला में रखा गया है। पुलिस अज्ञात आरोपी ट्रक चालक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश में लगी हुई है। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ यहाँ पर बजरंगी भाई लोग हैं जिन्होंने कल जो रात को कत्लखाना जिस गाय को भेजा जा रहा था लगभग 31 गाय इस गाड़ी में थे, इस संबंध में जानकारी जुटाएंगे। जी बताइए कैसे आप लोगों को पता चला और कैसे आपने गाड़ी को पकड़ा? करीब रात में 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि ये गाड़ी विश्रामपुर गणेशपुर साइड से तखतपुर साइड से लोड होके रायपुर की ओर आ रही है जी, जिसको हम लोग खरोरा के पास रोकने की कोशिश किया बैरिकेड लगा के, क्योंकि हम लोग चकमा दे के ये आरंग रोड में घुसी। आरंग से होते हुए ये नवापारा राजिम के साइड बढ़ी और यहाँ राजिम के पास गौशाला के द्वारा दौड़ाया गया, चक्का जाम करके इसको रोका गया, जिसमें चालक फरार है अभी जी। और गाड़ी में 32 गौ माता थी जिसमें से 31 है एक चली गई है कूद के जी। तो अभी पुलिस इसका कार्रवाई, इसमें पूरे बजरंग दल के आप सभी कार्यकर्ताओं का योगदान रहा, इसमें पूरा गौ सेवक और बजरंग दल समस्त पूरे लोग मिलके तस्करी को रोके। आपका नाम? अंकित द्विवेदी, बजरंग दल जिला सहसा।